माय लॉर्ड, ये सच है कि दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए खास गवाह बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और ये भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर अस्पताल गई थी। और ये भी सच है, इस दवा के पीने के 1 मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया। लेकिन तमाम बातों से साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर हैं। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है। और मैं कहता हूँ ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट मिलोट, वकील सफाई भूल रहे हैं। यही इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो ये साबित करती है इसमें सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है, जी हाँ। इसकी केमिकल रिपोर्ट पढ़ी है मैंने माय लॉर्ड, जो ये कहती है इसमें जहर है। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है, जिसे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को झुठलाता हूँ। इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, इसमें सिर्फ दवा जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा मिस्टर वर्मा आपके पास इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है? जी हाँ, सबूत और गवाह दोनों मैं हूँ, सिर्फ मैं। ये दवा है या जहर, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता हूँ? थैंक यू मिस्टर रावत।